हेलो दोस्तों, आज के वर्कआउट में सबसे पहले मैंने लगाई डबल अंडर्स टाइप की रस्सी टप्पा। इसके बाद मैंने हाई नीज वाली रस्सी टप्पा लगाई क्योंकि आज मैं लेग्स का वर्कआउट करने वाला हूँ। तो ये था मेरा वार्म अप। बनियान उतार के सबसे पहले मैंने लगाए स्क्वाट्स। ज़्यादा वज़न नहीं है, शुरू में 60 किलो वज़न है वार्म अप के लिए। वीडियो में देखो कैसे। सबसे पहले पेट के अंदर सांस भरा और अपनी कोर को टाइट किया, उसके बाद फिर ये स्क्वाट लगाए। ये कोर को टाइट करना बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ा सा वज़न बढ़ा दिया, वज़न बढ़ा के ये 70 किलो पे हो गया हूँ। सेम प्रिंसिपल है, कोर में हवा भरनी है और उसको मसल्स को फिर टाइट करना, हवा को अंदर पूरा भर के। थोड़ा और वेट बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन के लिए बेल्ट बांध ली है। याद रखें कोर के अंदर हवा भरनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रीढ़ की हड्डी में चोट आने के चांसेस रहते हैं। और हवा भरने का फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा वज़न भी उठा सकते हो इजीली। थोड़ा और वेट बढ़ा दिया। ये अभी 90 किलो पे था, मैं अभी 100 किलो पे आ गया हूँ। देखो 100 किलो की स्क्वाट्स लगा रहा हूँ। पहले ज़्यादा लगाता था, अभी धीरे धीरे ज़्यादा पे भी जाएंगे, देखते जाओ प्रोग्रेशन मेरी। ये भी फ्रंट स्कोट्स लगा रहा हूँ। 60 किलो है, कमर सीधी रखनी है, पेट के अंदर हवा भरनी है और अपनी कोर को टाइट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। फिर उसके बाद स्क्वाट लगाने में थोड़ा सा वज़न बढ़ा दिया है, ये 80 किलो पे हो गया है। ये सेट नंबर 2 और 3 मैं इसी से लगाऊंगा। फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट लगाने के बाद ये मैंने थोड़े से लंजेस लगाए। इसमें मैं अपनी पिछले वाली टांग थोड़े ऊंचे सरफेस पे रख लूँगा। ये देखो टायर है, अंधेरे में दिख नहीं रहा, अंधेरा हो गया, सूरज छिप गया है। तो ये सबसे पहले मैंने राइट लेग से लगाए, फिर लेफ्ट लेग से लगा रहा हूँ। अंधेरा है, फ़ोन की रोशनी में चल रहा है वर्कआउट। थोड़ा सा वज़न बढ़ा दिया है, अब इसी में ही लंजेस के मैंने 3 सेट लगाए हैं। वज़न बढ़ा के एक्सरसाइज मैंने टांगों की और भी किया है। मैंने इसके बाद थोड़ा सा ग्लूट्स के लिए जो ब्रिज एक्सरसाइज करते हैं वो हिप थ्रस्ट वाली वो की है, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और लेग्स की एक्सरसाइज के बाद मैंने एप्स का वर्कआउट किया है, ये कुछ एप्स का वर्कआउट लगाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें,